हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सतीश चंद्र आपका दोस्त आज फिर हाजिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आयुष्मान कार्ड किस प्रकार से आप लिस्ट को चेक करेंगे कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है। यदि है तो किस प्रकार से आप लोग चेक कर पाएंगे कि यदि आपका लिस्ट में नाम है तो आपका आयुष्मान कार्ड बन सकता है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर और जानते हैं कि आप लोग किस प्रकार से अपने मोबाइल से चेक कर पाएंगे कि आयुष्मान कार्ड की जो लिस्ट है उसमें आपका नाम है या नहीं है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले मिले आपको। तो चलते हैं दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पर और जानते हैं किस प्रकार से आप लोग सर्च करेंगे। तो दोस्तों, आ जाना है मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पे आप लोगों को ये गूगल क्रोम जो है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे डालना है आप लोगों को आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड ये आप लोग देख सकते हैं ऊपर आ चुका है आयुष्मान कार्ड, इसी को सर्च कर देना है। तो ये सबसे ऊपर जो वेबसाइट आप लोगों को दिखा रही होगी PMJ, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को ये ऊपर दिखाई दे रहा होगा मेन्यू, यहाँ पे लिखा हुआ है मेन्यू। तो इस मेन्यू पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो सिंपली से यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे दोस्तों तो नीचे आ जाना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप लोगों के सामने आ रहा होगा पोर्टल्स। ये देखिए, ये पोर्टल्स जब आ जाए तो उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ होगा पोर्टल्स के नीचे आयुष्मान मित्रा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। तो इसको स्क्रॉल डाउन कर देना है, स्क्रॉल डाउन कर देना है, नीचे आ जाना है, बिल्कुल बिल्कुल नीचे आ जाना है आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे डाउनलोड टू डाउनलोड लिस्ट आयुष्मान भारत PMJ बेनिफिशरी ऑफ योर विलेज ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे सिंपली से आप लोगों को ये क्लिक हेयर, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है। करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर देना है। ये देखिए, मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट OTP पे क्लिक कर देना है। जब OTP पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। ये देखिए, OTP आ चुका है। तो OTP यहाँ पे आप लोगों को भर देना है 00। हाँ, OTP डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा डाल देना है। दोस्तों, ये कैप्चा आप लोगों को फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद दोस्तों लॉगिन पे क्लिक कर देना है। ये आप लोग देख सकते हैं लॉगिन, इस पर आप लोगों को सिंपली से क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब आप लोग जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं स्टेट को यहाँ पे चॉइस कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे मैं टेरिटोरियल ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट चॉइस कर लेना है। उसके बाद अपना ब्लॉक आप लोग देख सकते हैं, ब्लॉक जो भी मतलब यहाँ पर दोस्तों ये ब्लॉग लिखा हुआ है, ये गांव वालों के लिए है। और नीचे जो लिखा हुआ है दोस्तों, ये ब्लॉग और ये लिखा हुआ है UL, ये शहर कस्बा के लिए है। यदि आप शहर कस्बा से बिलोंग करते हैं तो नीचे वाले पे, यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी आपका विलेज, जो भी आपका यहाँ पर ब्लॉग पड़ता है, उस ब्लॉग को चॉइस कर लेना है। तो यहाँ पे ब्लॉक नेम चुनने के बाद यहाँ पे अब आप लोगों को सिलेक्ट करना है विलेज, कोई भी यहाँ पे विलेज यहाँ पे चॉइस कर लेना है। जैसे कोई भी यहाँ पे, अभी मैं ट्यूटोरियल बता रहा हूँ तो कोई भी ब्लॉक यहाँ पे चॉइस कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं ये जो PDF फाइल है ये आप लोगों को डाउनलोड कर लेनी है। जब आप लोग ये आप लोग डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, इसको डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए, डाउनलोड हो चुकी है। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट आ चुकी है। अब ये लिस्ट में अपना नाम आप लोगों को ढूंढ लेना है। ये सारी लिस्ट है, इस लिस्ट से आप अपना नाम
चॉइस कर सकते हैं, नाम अपना ढूंढ सकते हैं। यदि आपका इस लिस्ट में नाम है तो आप लोग आसानी से CSC केंद्र पर जाके और वहाँ से आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि लिस्ट अपने गांव की आयुष्मान भारत की किस प्रकार से निकालें। यदि आपका लिस्ट में नाम है तो आप लोग आसानी से आराम से चेक करके और आराम से जाएंगे और CSC केंद्र से अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।